हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थंबनेल बनाना, क्योंकि अगर आप लोग मनोज दे जैसे वीडियो देखते हो तो आप लोग रिसेंट के वीडियो देख सकते हो कि मनोज दे के जो वीडियो के थंबनेल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे उनके व्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग भी क्या करेंगे, मनोज दे जैसा थंबनेल बनाएंगे और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि मनोज दे जैसा थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का जो वीडियो है जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लेना इमेज साइज के ऊपर में क्लिक करके आपको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है, और जो ये टेक्स्ट है इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब हम लोग मनोज दे का एक थंबनेल ले लेंगे जो हम बनाने वाले हैं। तो मैंने इधर से ये वाला थंबनेल ले लिया है, तो इस वाले थंबनेल को हम लोग आज बनाएंगे। बनाने के लिए आपको नीचे का साइड फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाके कलर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर ग्रेडिएंट का एक ऑप्शन है, उस पर आपको सेकंड वाले जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको लाइट ब्लू कर देना है। लाइट ब्लू करने के बाद इसे ओके कर देना है, और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप जो दिख रहा है उस पर आपको ब्लैक कर देना है, जिससे ये शेडो रहेगा। तो हम लोग इसे कॉर्नर पे लेके हम लोग जाएंगे। इसे पूरा कॉर्नर पे सेट कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हो इधर से हम पूरा बैकग्राउंड बन चुका है। तो अब हमें क्या करना अब है, हमें इधर से एक पिक्चर ऐड कर लेना है पेपर कट वाला, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो इधर से मैं पेपर कट वाला ले लेता हूँ, तो ये रहा पेपर कटिंग का। तो इस वाले इस पेपर कटिंग को लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो बैकग्राउंड को रिमूव कर देने के बाद आपको इसका कलर चेंज करना है। चेंज करने के बाद इधर से इसका कलर वाइट रख के इसके जो साइज को है थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेंगे। लेने के बाद थोड़ा सा इसको रोटेट करके एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसे हम लोग लॉक कर देंगे। तो मैंने इधर से एडजस्ट कर लिया है, तो इसे हम लोग अब लॉक कर देते हैं। लॉक हो चुका है इधर से। अब हम लोग मनोज दे का जो थंबनेल है, इधर से सेकंड काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपना फ़ोटो लगाएंगे, ये भी PNG में। तो मैंने इधर से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, ये भी PNG है। तो मैंने इधर से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, तो एडजस्ट करके अच्छे से मैं इधर लगा देता हूँ। तो इसे भी हम लोग कर देते हैं लॉक। अब हमें लिखना है टेक्स्ट, तो इधर से हम लोग टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इधर से मैं पूरा मनोज ने जैसा लिखा है कॉपीराइट का टेंशन ख़त्म, तो हम लोग भी ऐसा ही लिख देते हैं। तो आप लोग वाइट है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब हम का फॉन्ट चेंज करने के बाद इस पर हम लोग कलर दे देंगे। तो मैंने इधर एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग कलर ले सकते हो। तो कॉपीराइट में हम लोग रेड कलर करेंगे, और बाकी जैसे जैसा है ब्लैक तो ऐसा ही दे देंगे, और ख़त्म में हम लोग डार्क ग्रीन दे देंगे। तो इधर से हम लोग डार्क ग्रीन चूज़ कर लेते हैं, जैसा है हम लोग वैसा ही करेंगे। तो इधर से आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे, पूरा बीच में लाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, एलिगेट का एक ऑप्शन आ रहा हुआ है, और इसमें मिडिल में जो एक ऑप्शन आ रहा होगा उसको आपको क्लिक कर देना है, जिससे ये जो लेटर है मिडिल पे आ जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा रोटेट करके अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो इधर से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इधर से पूरा एडजस्ट करने के बाद इसे भी हम लोग इस टेक्स्ट को भी हम लोग लॉक कर देंगे। तो मैंने इधर से इसे भी लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो दो इधर YouTube के लोगो आ रहे हैं। तो मैं इधर सिंपली YouTube के ही लोगो लूँगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ से अपना YouTube लोगो को चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपने YouTube को चूज़ कर लिया है, और इसे थोड़ा सा छोटा करने के बाद इधर से मैं इसे रोटेट करने के बाद इसे एडजस्ट कर लूँगा। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसके जो बैकग्राउंड में हैं हम लोग थोड़ा सा शेडो देंगे, जैसे कि आप लोग इधर से देख ही सकते हो मनोज के जो YouTube लोगो में है शेडो है। तो हम लोग भी इधर से थोड़ा सा शेडो देंगे। तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इधर से अपना शेडो दे दिया है। तो मैंने इसमें 7% में रखा है, तो अब हम इसे भी लॉक कर देते हैं।
इस बार सेकंड यूट्यूब जो ऊपर के साइड है कॉपीराइट के ऊपर, कुछ इस तरीके से हम लोग यूट्यूब को ही इसको कॉपी करके लगा देंगे। तो इधर से मैंने यूट्यूब को ही एक और बार कॉपी करके इसको बड़ा कर लिया है। और हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करके बैक में लगाएंगे। तो इधर से हम लोग टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे का साइड आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग इसे भी बैक करके अच्छे से लगा देंगे। तो अब हम लोग सेकंड यूट्यूब को भी लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद आप लोग इधर बैकग्राउंड पे देख सकते हैं उल्टा आई का कुछ दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद आप लोग इधर उल्टे आई का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे के साइड, आप लोग इसे चूज़ करके थोड़ा सा इसके साइज़ को बड़ा कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ज़्यादा बड़ा मत कर लेना, लिमिट में रख के थोड़ा सा बड़ा करना। जैसे मैंने किया 223 के साइज 193 के साइज में रखा है, उसी अकॉर्डिंग आप भी रखना। उसके बाद आपको चले जाना है शेप वाले ऑप्शन पे, नीचे के साइड थर्ड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको शेप का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जाने के बाद आपको सर्कल ले लेना है। सर्कल लेने के बाद इसकी जो ऑक्यूपेशन है उसको आपको ज़ीरो कर लेना है, पूरी तरह से ज़ीरो कर लेने के बाद आपको क्या करना है, एडिट के ऑप्शन पे ही आपको नीचे के साइड ही मिल जाएगा स्ट्रोक विथ इन का, उसको आपको कलर वाइट रख के इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो मैंने इधर से एडजस्ट कर लिया है, इसको मर्ज कर लेना है दोनों को। मर्ज करने के लिए आपको क्या करना, सिंपली ऊपर के साइड थ्री डॉट के नीचे ही आपको एक बॉक्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोनों फोटो नीचे के साइड सेलेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको सेलेक्ट करने के बाद दोनों ऑप्शनों को सिलेक्ट कर लेना है और मर्ज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे ये दोनों फ़ोटो एक ही साथ मर्ज हो जाएंगे। यहाँ मेरा जो फ़ोटो है मर्ज हो चुका है, पर अब आपको क्या करना है, इधर इन दोनों के ऑक्यूपेशन को कम कर देना है। कम करके 33 या 32 रख देना है जैसे मैंने रखा है। अब इसको आप को अपने बैकग्राउंड पे सेलेक्ट कर करके लगा देना है। तो मैंने इधर से फाइनली अपने बैकग्राउंड पे अच्छे से लगा दिया है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैंने एडजस्ट करके सभी को लगा दिया है। और अब मैं सभी को लॉक कर देता हूँ, बाकी जो जो फ्रंट में है उन सभी को मैं बैक में कर दूंगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो मनोज दे जैसा ही मैंने अपना थंबनेल रेडी कर लिया है। थंबनेल को सेव करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन के साइड ही में सेव का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उधर से आप लोग अपने इमेज को जो है अल्ट्रा पे सेव कर सकते हो, तो वहाँ से आप लोग सेव कर लेना। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।